ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ISKCON, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसमें 500 प्रमुख केंद्र, मंदिर और ग्रामीण समुदाय, लगभग 100 शाकाहारी रेस्तरां, हजारों नामहट या स्थानीय बैठक समूह, सामुदायिक परियोजनाओं की एक विस्तृत विविधता शामिल है और दुनिया भर में लाखों मंडल सदस्य है। हालांकि वैश्विक मंच पर 50 साल से कम समय में ISKCON ने 1966 में न्यूयॉर्क शहर में अपने दिव्य अनुग्रह AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की स्थापना के बाद से व्यापक रूप से विस्तार किया है। ISKCON का संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, जो वैदिक या हिंदू संस्कृति के भीतर एक एकेश्वरवादी परंपरा है। दार्शनिक रूप से यह संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता और भागवत पुराण या श्रीमद भागवतम पर आधारित है। ये भक्ति योग परंपरा के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो सिखाते हैं कि सभी जीवित प्राणियों के लिए अंतिम लक्ष्य भगवान या भगवान कृष्ण, सभी के लिए आकर्षक के लिए उनके प्यार को फिर से पढ़ना है। भगवान को अल्लाह, यहोवा या राम आदि सहित कई नामों से जाना जाता है। ISKCON भक्त महामंत्र के रूप में भगवान के नामों का जप करते हैं या उद्धार के लिए महान प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। कई प्रमुख शिक्षाविदों ने ISKCON की प्रामाणिकता पर प्रकाश डाला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म और भारतीय अध्ययन के प्रोफेसर डायना ईक आंदोलन को मानव जाति के धार्मिक जीवन में एक सम्मानित स्थान प्रदान करने वाली परंपरा के रूप में वर्णित करते हैं। ISKCON के सदस्य अपने घरों में भक्ति योग का अभ्यास करते हैं और मंदिरों में पूजा भी करते हैं। वे त्योहारों, प्रदर्शन कला, योग सेमिनार, सार्वजनिक जप और समाज के साहित्य के वितरण के माध्यम से भक्ति योग या कृष्ण चेतना को बढ़ावा देते हैं। ISKCON के सदस्यों ने भक्ति योग के मार्ग के व्यवहारिक अनुप्रयोग के रूप में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इको गांव, मुफ्त भोजन वितरण परियोजनाएं और अन्य संस्थान भी खोले हैं। श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म संहिता जैसी किताबों में कृष्णा के कई आकर्षक रूपों और गतिविधियों के बारे में विस्तृत विवरण है, जो इस स्थायी ब्रह्मांड और उससे परे दुनिया में दोनों है। संगठन का गठन भक्ति योग भगवान के प्रेम के अभ्यास को फैलाने के लिए किया गया था, जिसमें शामिल भक्त कृष्ण सर्वोच्च भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने विचारों और कार्यों को समर्पित करते हैं। 2007 के रूप में सदस्यता में इसका सबसे तेजी से विस्तार और विशेष रूप से सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, यूक्रेन और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गठबंधन राज्यों के बाकी हिस्सों में हुआ है। जून 2019 तक यूनाइटेड किंगडम में 15,000 सहित लगभग 100,000 मंडल सदस्य हैं और पश्चिम में अनुयायियों की अपेक्षाकृत कम संख्या, कुछ हजार पूर्णकालिक चिकित्सकों के बावजूद इसका वर्णन किया गया है। सबसे प्रसिद्ध और सार्वजनिक रूप से पहचानने योग्य ISKCON अभ्यास कीर्तन है हरे कृष्ण मंत्र का एक जप या गायन। यह भगवान की भक्ति को व्यक्त करने और आंदोलन में नए लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है। भक्त सार्वजनिक रूप से सड़कों और पार्कों में इकट्ठा होते हैं, मृदंग, हाथ के झंडे और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों के साथ मंत्र गाते हैं। 1970 के दशक के दौरान ISKCON ने इस अभ्यास के कारण लोगों की नजरों में प्रवेश किया। भक्त गाते थे, किताबें वितरित करते थे, संकीर्तन आज दुनिया भर में जारी है, लेकिन कम टकराव वाले तरीके से। चार नियामक सिद्धांत। दीक्षा, दीक्षा के दौरान ISKCON के भक्त चार बुनियादी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, वे हैं: शाकाहारी आहार का पालन करने के लिए किसी भी नशीले पदार्थ, शराब, सिगरेट या ड्रग्स का सेवन न करें, जुआ खेलने के लिए नहीं, अवैध सेक्स में लिप्त नहीं। समारोह, साप्ताहिक समारोहों के अलावा ISKCON आंदोलन के भीतर श्रद्धालु जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दिवाली, गौरा पूर्णिमा, एकादशी, होली, ऋतु नवमी और गीता जयंती सहित हिंदू त्योहारों की एक विविध श्रृंखला मनाते हैं। रथ यात्रा, रथ यात्रा एक वार्षिक परेड है जिसके तहत भक्त सड़क पर नृत्य करते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के देवताओं के साथ रथ खींचते हैं। यह सार्वजनिक जुलूस आमतौर पर प्रदर्शन और मुफ्त शाकाहारी भोजन के बाद होता है। भारत, भारत में दुनिया भर में ISKCON केंद्रों का उच्चतम घनत्व है, जिसमें 150 से अधिक मंदिर, 12 राज्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, 25 संबद्ध और गैर संबद्ध रेस्तरां और कई पर्यटक और तीर्थयात्रा होटल हैं। यह गोवर्धन इको विलेज एक आयुर्वेदिक उपचार और मुंबई के पास रिट्रीट सेंटर का भी घर है। ISKCON इंडिया को अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में अधिक पारंपरिक रूढ़िवादी वैदिक मूल्यों का पता लगाने के लिए जाना जाता है। वैदिक तारामंडल मायापुर का श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर
2022 में पूरा होने के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल में श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर हिंदू धर्म के गौड़ीय वैष्णव वंश के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में बनाया गया है। मंदिर वर्तमान में 425,000 वर्ग फीट में बैठता है और 340 फीट लंबा है और लॉज, दुकानों, आवासों, शैक्षिकी केंद्रों और उद्यानों के साथ घिरा हुआ है। परियोजना की अनुमानित लागत $75 मिलियन है। इसके प्रमुख निवेशक अल्फ्रेड बी फोर्ट हेनरी फोर्ट के पोते हैं। जटिल मुख्य आकर्षण वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित एक तारामंडल है और साथ ही वैदिक कला, विज्ञान और संस्कृति के बारे में प्रदर्शनियों के रूप में श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। पूरा होने के बाद मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा होगा, कंबोडिया के अंकोर वॉट के बाद दूसरा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन। वृंदावन उत्तर प्रदेश के रमन रेती क्षेत्र में स्थित मंदिर मूल गांव में बनाया गया था, जहां आध्यात्मिक आंकड़े कृष्ण और बलराम के बारे में कहा जाता है कि वे भारतीय इतिहास के वैदिक काल में रहते थे। यह गोकुल के गांव, गोवर्धन हिल, मथुरा महल और विभिन्न पवित्र झीलों जैसे अन्य पवित्र स्थलों के करीब निकटता में बनाया गया है। परिणाम स्वरूप इस्कॉन वृंदावन कृष्ण चेतना आंदोलन के अनुयायियों के लिए एक आम तीर्थ स्थल है। परिसर में एक गेस्ट हाउस, एक संग्रहालय, उपहार की दुकानें, एक रेस्तरा, एक बेकरी, एक प्रसारण स्टूडियो और साथ ही एक संगमरमर का मंदिर हॉल है। मंदिर वृंदावन उच्च शिक्षा संस्थान से भी संबद्ध है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बेंगलुरु भारत में इस्कॉन मंदिरों में से एक है। इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा ओबसन VCM वर्तमान में निर्माणाधीन है और दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक है, जिसमें हेलीपैड, थीम पार्क, संग्रहालय, आवास, वनाच्छादित और पार्क क्षेत्र और मंदिर है। श्री श्री पार्थसारथी मंदिर नई दिल्ली। मंदिर परिसर में ग्लोरी ऑफ इंडिया वैदिक सांस्कृतिक केंद्र है, जो इंटरैक्टिव शैक्षिकी प्रदर्शनों का एक समूह है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रित धार्मिक पुस्तक है, जिसे एस्ट्रोविंग भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर सिलीगुड़ी। यह मंदिर सिलीगुड़ी में स्थित है और इसे गुप्त नवद्वीप धाम के नाम से जाना जाता है। यूरोप। यूरोप में 135 से अधिक इस्कॉन संबद्ध मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र हैं। यूरोप में इस्कॉन आंदोलन कई ग्रामीण और कृषक समुदायों का घर है, जिनमें स्पेन में नुएवा ब्रजमंडला, फ्रांस में ला नूवेल मायापुर और इटली में विला वृंदावन शामिल है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया में 80 से अधिक इस्कॉन संबद्ध केंद्र हैं, जिनमें से अधिकांश इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में स्थित हैं। रूस में 31 अतिरिक्त केंद्र हैं, क्योंकि वैष्णव हिंदू धर्म देश में विश्वास के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में 56 औपचारिक रूप से संबद्ध इस्कॉन केंद्र हैं। कनाडा में 12 इस्कॉन केंद्र हैं, जिनमें BC का स्वयं शरणागति इको विलेज शामिल है। मेक्सिको में 5 औपचारिक रूप से संबद्ध इस्कॉन केंद्र हैं। दक्षिण अमेरिका में 60 संबद्ध इस्कॉन मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश अर्जेंटीना और ब्राजील में स्थित हैं। पूरे लैटिन अमेरिका में भक्त संचालित कृषक समुदाय भी हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।